अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली संजानी और आप देख रहे हैं इदारा आईना किस्मत से AQ TV वेब चैनल। जी बिल्कुल, और आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे 2019 के बारे में, बुर्ज एरिस से लेके पाइसिस तक, और इसके ऊपर हम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आपके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ज़रात और आपके जो फैमिली मामला हैं। बुर्ज हमल के 2019 के हवाले से अगर हम आपके जो प्लैनेटरी पोजीशंस देखें तो इब्तदाई साल में ही आपके जो वतदुल अर्ज का हाकिम सितारा कमर जायचे के 8वें में नहस पोजीशन में रहते हुए हबूद याफ्ता और उसके अलावा कमर दर अकरब की पोजीशन में होने के सबब आपके खानगी कारोबारी कर और स्पेशली आपके जो ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी के और स्पेशली जो ख़ानदान के मामलात हैं उनसे मुतलका अमूर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रहेंगे। ना सिर्फ अहमियत के हामिल रहेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा हसास सेंसिटिव रहते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात की जानिब देखने की ज़रूरत है और नापसंदीदा अफराद जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में खामखा की प्रॉब्लम्स मसले मसाइल जो हैं वो क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। खसूसन राहु जो है 5 मई 2020 तक जब वतदुल अर्ज में रहते हुए खानगी ख़ानदानी मामलात जो हैं किसी तल्ख कलामी की वजह से खामखा प्रॉब्लमेटिक इंडिकेशन की तरफ रहते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा तहमुल मिजाज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सब्र और तहमल और दरगुजर करने की ज़रूरत है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन जायदाद और सवारी के हवाले से जो मामलात हैं उनमें भी किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं हो तो उसमें भी आप कोशिश करें कि अपनी सोच अपने मिजाज के अलावा हट के आपके जो मुखलिस अहबाब हैं, आपके जो दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, आपके जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनसे आप मशवरा ज़रूर लें, क्योंकि उनके मशवरे और उनकी एडवाइस से आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी अपनी सोच और अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस है इस साल के हवाले से वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी रहती हुई नज़र नहीं आती, इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। वतदुल अर्ज का हाकिम सितारा शम्स इब्तदाई साल में ही आपके जायचे में चौथे छठे नसीब के घर में 9वें-10वें के मुश्तरका जोहल से हालत किरान में हो तो खानगी घरेलू मामलात के अलावा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब टाइम रहेगा। इसके अलावा वालदा की नाराज़गी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कोशिश करें कि उनकी शफकत जो है उसकी एक सरपरस्ती जो है वो आपके ऊपर कायम रहे, और अगर उनकी नाराज़गी किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कोई भी खा मामला हो, आपकी मिजाज, आपकी सोच, आपके मामलात से हटके हो तो कोशिश करें कि जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें ताकि 2019 जो है उनकी दवाओं के वसीले से आपके लिए प्रॉब्लम से पाक बन सके। इसके अलावा स्पेशली 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल और 21 मई से लेके 23 अगस्त जब शम्स की साद नशिस्त जो है ये सॉरी अफराद को ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से एक साद असरात और साद अमूर जो हैं वो दिलाए तो उस टाइम के ऊपर भी अपने अपने खानगी मामलात, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको दुरुस्त करने की जानिब निगाह ज़रूर रखनी है और उनके लिए टाइम आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि शम्स जोहरा किरान जो कि 10 से लेके 18 अगस्त तक हो रहा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के फ़ायदे के घर में, यानी कि ज़मीन जायदाद की प्रॉपर्टी के माली फ़ायदे के घर में हो रहा है। तो इस टाइम के ऊपर आप कोई भी अगर डील फाइनलाइज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए, अपनी व्हीकल या सवारी की सेल परचेज के लिए, तो वो आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर और मुस्तहकम नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो 2019 का साल है ये ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के अलावा ज़रात, बागबानी, खानगी, ख़ानदानी सभी अमूर के लिए इंशाल्लाह आपके लिए हसबे मंशा बेहतर रहेगा। वतुलदर्ज और ताले का मुश्तरका हाकिम सितारा अतारत इस साल अपनी सरीउल रफ्तारी के बायस आपको अजीब और गरीब तरीके से मुतद्दिद साधने अदा करेगा, खसूसन 17 अप्रैल से लेके 6 मई तक हालत फरा, इसके अलावा 21 मई से लेके 5 जून तक तरफा, इसके अलावा 29 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक शर्फ, 3 अक्टूबर से लेके 9 दिसंबर तक हालत औज में होने से आपकी इज्जत तहकीर और आपकी साख जो है उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुखलिसाना दोस्त भी शामिल होंगे, उनकी नज़रों में आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट का ग्राफ भी बढ़ेगा और मुमकिन तौर के ऊपर ज़मीन जायदाद की गई खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी सेल परचेज़, व्हीकल की सेल परचेज़ जो है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह
माली लिहाज से फ़ायदेमंद रहेगी और खानगी ख़ानदानी अफराद फैमिली मेम्बर्स उनका सुख उनका तावन उनकी इस तरफ से आपको मुमकिन तौर के ऊपर फाइनेंशियली सपोर्ट मॉरली सपोर्ट रहने की वजह से 2019 जो है आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। लेकिन मुमकिन तौर के ऊपर हर किस्म की नागहानी आफात व बलियात से बचने के लिए आप कोशिश करें कि 11 मरतबा आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर 11 दफ़ा कोई सा दुरूद शरीफ पढ़ के रोज़ाना अपने हक़ में और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए रूहानी तौर के ऊपर इस को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल रखें। सितारा जोहरा जो कि आपके शमसी जाइज के चौथे और 11वें का मुश्तरका हाकिम 2019 में यकम था 19 अप्रैल और इसके अलावा 9 जून से लेकर 20 अगस्त 7 पोजीशन में होने के सबब आपको अजीबोगरीब तरीके से फवायद और स्पेशली आपके रहायशी तजीनों आराइश की तरफ अगर आपकी ख्वाहिशात हैं तो वो आपकी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी हो सकेंगी। स्पेशली ऐसे तमाम सरतानी अफराद जो कि अपनी तजीनों आराइश करना चाह रहे हैं, इवन आप अपना रूम डिक्योर करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से भी आपकी ये ख्वाहिशात इंशाल्लाह ज़रूर 2019 में पूरी होगी। और स्पेशली इसके अलावा अगर आप अपने नए घर की खरीदो फरोख्त या नए घर के हवाले से कोई आप प्लानिंग्स डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट्स वगैरह या आपके कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं वो हल करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी 2019 जो है आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुमकिन तौर के ऊपर बेहतर समरात का हामिल रहेगा। इसके अलावा जोरा मरीक जोहल की जो 7 नजरात हैं 2019 में 16, 17, 18 जनवरी और इसके अलावा 17, 18, 19 फरवरी 12, 13, 14, 15, 16 मार्च 11, 12, 13 अप्रैल 13, 14, 15, 16 और 31 मई और इसके अलावा यकम जून 23, 24, 25, 26 अगस्त और यकम 2, 7, 8, 9, 10 सितंबर ये वो मामलात हैं। और इसके अलावा और अक्टूबर की जो डेट्स हैं 19, 20, 21 अक्टूबर 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 दिसंबर ये वो साल के तमाम नेक और साद अयाम हैं जिनमें आप अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद और स्पेशली आपके जो खानगी मामलात हैं उनसे मुंसलिक आपके जो मामलात हैं उनको अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक सम्राट ज़रूर मिलेंगे। इब्तदाए साल से ही सुकून और सुख के घर कमर दर अकरब और चढ़ेगा शम्स नहस घर में हमरा जोहल केतु कमज़ोर होना इस बात का इशारा है कि 2019 कुछ हवालों से आजमाइश तलब साल साबित होगा और स्पेशली 14वें का हाकिम मुश्तरका हाकिम जो कि मरीख है 14 फरवरी था 9वें अरूज याफ्ता रहेगा। इब्तदाए साल में ही अगर आप प्लानिंग कर ली तो आपके लिए बहुत सारी मतवक्को परेशानियां जो हैं उनसे आप महफूज रह सकेंगे। प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपके तमाम तर ये जो नेगेटिविटीज़ प्लानिटरी पोजिशंस की चल रही हैं आपके लिए खानगी सुख जो है उसमें स्पेशली बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक टाइम फ्रेम रह सकता है। इसके अलावा सितारा मरीज जो है 16 मई से लेकर 2 जुलाई हबूत याफ्ता नहायत कमज़ोर पोजीशन में रहेगा और इस दौरान कोशिश करें कि कोई भी ट्रैफिक के किस्म के मामलात और रोड के ऊपर सफ़र करते हुए अपना सबका ज़रूर दें क्योंकि इस हवाले से रोड के ऊपर ट्रैवलिंग के दौरान किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम आपकी व्हीकल के हवाले से कोई प्रॉब्लम जो है वो रहती हुई नज़र आती है तो कोई भी अगर आप व्हीकल की मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं तो उस बारे में भी किसी भी किस्म की कोताही या उसको डिले नहीं करें अदरवाइज़ आपको खामखा रोड के ऊपर चलते हुए प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट होती हुई नज़र आएगी और स्पेशली जो इस साल की अच्छी और साद नज़रात हैं वो भी आप नोट डाउन कर लें ताकि अगर आप कोई भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो उन नेक अयाम में आप कर सकते हैं और वो हैं 25, 26, 27, 28 फरवरी और इसके अलावा 3 मार्च और 30 अगस्त यकम 2, 3, 4, 5 सितंबर ये वो नेक और अच्छा टाइम है जिनमें आप अगर आप अपने घर की तज़ीन और आइश करना चाह रहे हैं सवारी की सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो तब आप दोबारा से अक्सर नौ चीज़ों को तरतीब देने की पोजिशन में रहेंगे। वतदुल अर्ज यानी कि आपके जायचे के चौथे और वतदुल जौज यानी कि आपके जायचे के सातवें का मुश्तरका हाकिम सादे अकबर सितारा मुश्तरी 12 साल के बाद 2 सितंबर तक यहाँ रहेगा जिसकी वजह से ये 4, 8, 10 और 12वें घरों पर साद नज़र डालेगा और साद नज़र के हवाले से सुमली अफराद के लिए 2019 जो है ज़िंदगी का एक बेहतरीन साल साबित होगा। ज़मीन जायदाद सवारी हस्बे हैसियत खरीद फरोख ज़रात बागबानी और तर्ज़ ज़िंदगी
जो है आपकी, इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी, तब्दीली जो है ये आती हुई नजर आएगी, और नफा बख्श वसाइल में इजाफे का हसूल, विरासत के अलावा पंचायती मामला जो हैं वो भी आपके हक में रहते हुए नजर आएंगे, और लिटिगेशन से बचते हुए आप पंचायती मामला जो हैं उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपकी खानदानी इज्जत और तकरीम जो है उसमें भी इजाफा रहेगा। और अपने मुस्तकबिल को अगर आप चाहते हैं कि दरखशा बनाए, तो दरखशा बनाने के लिए खानदान में वसत और बेहतरी और बुजुर्गों के जो किए गए फैसले हैं, उनकी जो मशावरत है, उसको ज़रूर शामिल हाल रखें, क्योंकि उनकी सरपरस्ती के तहत ही आप अपने मामलात को बेहतर और अच्छा बना सकेंगे। इसके अलावा आपकी जुपिटर और अतारत की जो नेगेटिव नज़रात हैं वो आप नोट डाउन कर लें। इन नेगेटिव अयाम में आपने कोशिश करना है कि किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त जो है प्रॉपर्टी या सवारी की नहीं करें, अदरवाइज़ आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर उसमें लॉस हो सकता है। और ये जो नेगेटिव डेज़ हैं इन आपके 2019 के, वो है 22-23 फरवरी, 15-16-17 मार्च, इसके अलावा 11-12-13 अप्रैल, 30 मई, 8 जून, 5-6-7 सितंबर। इन चीजों को नोट कर लें और कोशिश करें कि इन आयाम में सदका जरूर दें। बैतुल अर्ज का हाकिम सितारा जोहल इमसाल भी चौथे और अपने जाती घर रहने से खानगी, खानदानी ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त से माली फवाइद का हसूल, ज़रात व बागबानी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा कुछ मेज़ानी अफराद इस शोबे में कारोबार का आगाज़ करें तो कामयाबी से हमकनार हों। इसके अलावा रिजत जोहल के जो तवारीख हैं इनको आप नोट डाउन कर लें, स्पेशली इन डेज़ में आप कोशिश करें कि सदका जो है वो ज़रूर दें। और कोई भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं काम, करियर, कारोबार के हवाले से, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। 30 अप्रैल से लेके 19 सितंबर तक ये वो टाइम है जिसमें आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें। अगर उनके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहती हुई नज़र आएंगी, तो इस चीज़ के लिए आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अदरवाइज़ बाकी जो आपका 2019 का ही रहा है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छा और मुस्बत रहेगा। और इस दौरान आप अपने कोई भी खानदानी सुख के लिए किए गए जो इकदाम हैं 2019 में, इनको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पाएंगे। शमसी जायचे का नहायत अहम घर बतुल अर्ज का मालिक सितारा जोहल इमसाल भी सारा साल अपने घर से बारहवें यानी कि तीसरे घर रहेगा, जिसकी वजह से 2019 जो है नहायत जिम्मेदाराना साल मालूम होता है, क्योंकि अहले ख़ानदान के लड़ाई झगड़ों में सुलह सफाई अगर होना चाह रही है तो वो आपकी ज़ात है जो कि सुलह सफाई में एक पॉजिटिव किरदार जो है वो अंजाम दे सकेगी। इसके अलावा सितारा जोहल 30 अप्रैल से लेकर 18 सितंबर तक जो रिजत की पोजिशन में रहेगा, तो ये बहुत एक लंबा अरसा बनता है। और इस लंबे अरसे में अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो इन सॉर्ट आउट करने के अलावा अगर आपको अपनी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, विरासती, अपने फैमिली मैटर्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोशिश करें कि दूसरों की सोच जो है उसको अच्छी तरह समझ के, अंडरस्टैंड करके, उनकी मियार और उनके लेवल के मुताबिक, उनकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आके उनको समझाएंगे तो तब चीज़ें वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अदरवाइज़ एक कम्युनिकेशन गैप रहने की वजह से प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें अगर आप बिगड़े हालात को सवारने जा रहे हैं तो 2019 जो है ये इस हवाले से बहुत ज्यादा आपके लिए एहतियात तलब और क्रूशल हो सकता है। इसमें आपको इजाफी मेहनत और इजाफी तजर्बे की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा अगर आप अपने घर की तज़ीन और आराइश करना चाह रहे हैं तो आप 7 तबारीख जो है वो नोट डाउन कर लें। इन डेट्स में कोई भी आप सेल परचेज के हवाले से मामला अंजाम देना चाहें तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक ना सिर्फ अच्छा रहेगा, बल्कि आप अगर तज़ीन और आराइश भी करना चाहें तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी रह सकती हैं। और वो जो नेक अयाम है वो हैं 12-13-14-15-16 मार्च, इसके अलावा 7-8-9-10 सितंबर, 17-18-19-20-21 दिसंबर। इन तवारीख में अगर आप कोई भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मामला को अंजाम दें तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगे। बतदुल अर्ज और ताले का हाकिम सितारा सादे अकबर सितारा मुश्तरी 12 साल के बाद ताले में 2 दिसंबर तक रहेगा, और सितारा मुश्तरी ताले चौथे मुश्तरका हाकिम शम्स जायचे के औदाद यानी कि ताले में होने के सबब ख़ानदान में इजाफा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी हसबे मंशा इनकी जो फ़रोख्त है वो आपको काफ़ी हद तक माली लिहाज से इंशाल्लाह खुशहाल करती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा ज़रात बागबानी का शौक़ भी ऐसे तरीके से पूरा होता हुआ नज़र आएगा, और काश्तकारी, डेयरी फार्मिंग, फूलों और फलों के हवाले से जो दरख्त लगाने का एक नफा बख्श कारोबार है, इस शोबा जात से तमाम तर जो अफराद जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम फ्रेम 2019 का बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवारी का एहसास रहता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आप अपनी हसब हैसियत सवारी का हसूल करना चाह रहे हैं तो 2019 जो है आपकी इस ख्वाहिश को भी इंशाल्लाह पूरा करेगा। इसके अलावा
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए, आपके घर में रूहानी तौर के पर रौनक जो है वो बढ़ जाए और मामलात में बेहतरी आती चली जाए, तो इसके लिए आप करें कि अपने घर में गुलाब का पौधा जो है 2019 में ज़रूर लगाएं। इस गुलाब के पौधे के लगाने से ना सिर्फ आपका घर जो है वो गुलाब की खुशबू से महकता रहेगा, बल्कि गुलाब की खुशबू की तरह महकता रहेगा। वतुदल अर्ज का हाकिम सतारा मरीख आपके जायचे में 2019 में आपको बहुत सारी सादतें और वसतें अता करता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए ये साल जो है इब्तदाई अय्याम के लिए हवाले से थोड़ा सा एहतियात तलब है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात तलब के साथ साथ ये साद भी रहेंगे, क्योंकि अय्याम इब्तदा में ही 2019 के आपके लिए मरीख की अच्छी पोजीशन रहने की वजह से आपको प्रॉपर्टी जो है ज़रा सी कोशिश से सस्ते दामों भी मिल सकती है, और उस सस्ते दामों प्रॉपर्टी की आप जब सेल करेंगे वो आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहेगी। इसके अलावा ज़रात काश्तकारी बागबानी नफा बख्श दरख्तों की अफजाइश के अलावा शजरकारी और साइंसी असूलों के तहत किए गए जो काम है आपके ज़रात के हवाले से वो आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर और मुस्बत रहेगा। इसके अलावा 2019 जो है इसमें आपके अहले ख़ानदान अहबाब से बहुत सारी मोहब्बतें और तबक्कात जो हैं ये आपकी पूरी होने की इंडिकेशन नज़र आ रही हैं, और कोशिश करें कि अंदरून खाना जो मेहमानों की आमदरफ्त है उसको आप खुले दिल से कबूल करें, क्योंकि मेहमानों की आमदरफ्त जो है ये आपके लिए ना सिर्फ आपकी रोज़ी रोज़गार और ज़मीन जायदाद और रूहानी तौर के ऊपर बरकतों के लिए 2019 में इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगी। बतुदलर्ज का हाकिम सितारा जोहरा सितारा 2019 में अपनी सरियल रफ्तारी के बायस 2019 का ये जो ज़माना है 2019 एक बहुत ही अहम मगर एहतियात तलब साल शाम रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अंदरून खाना मेहमानों की आमदरफ्त के सबब इजाफी अखराजात जो है रह सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मेहमानों पर होने वाले जो अखराजात हैं कभी भी इसराफ में शामिल नहीं होते, जिसकी वजह से साठ सत्ती के ज़माने में मुमकिन हो तो अपने यहाँ हर हफ्ते या हर महीने मेहमानों की दावत आप ज़रूर किया करें, क्योंकि यह दावत करने से आप रूहानी तौर के ऊपर ना सिर्फ बरकतों से महफूज रहेंगे। बतुलर्ज का हाकिम सितारा अतारत अपनी सरियल रफ्तारी के बाद 2019 में बहुत सारे मुस्बत असरात जो हैं आपकी ज़िंदगी में मरतब करेगा, और लेकिन 2019 के आगाज़ में ही अतारत की मनफी पोजीशन जो है ये थोड़े से नाकिस असरात जो हैं ये इसके लिए मरतब रहते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपको 2019 जो है इब्तदाई साल में थोड़ी सी प्लानिंग जो है ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई ज़मीन जायदाद की प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाह रहे हैं, या अगर आप अपने कोई खानगी ख़ानदानी मसाइल और विरासती झगड़ों को निपटाना चाह रहे हैं तो इसके हवाले से आपको थोड़ा सा बुज़ुर्गों की मुशावरत और प्लानिंग जो है ज़रूर मुरतब करनी चाहिए, क्योंकि ख़ानदानी के जो बुज़ुर्ग हैं उनका एक जज्बाती रबता जो है आपकी शख्सियत से इस साल एक वाबस्तगी की सूरत में रहता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से कोशिश करें कि उनकी जो जज्बाती कैफियात हैं और उनकी जो तवक्कात हैं आपके ऊपर वो ज़रूर पूरी करें और उसमें बिल्कुल भी आप कोताही नहीं करें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने हमारे इस प्रोग्राम को बेहतर तौर के ऊपर गाइडलाइंस की सूरत में 2019 में अपनी जो मामलात के हल हैं प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसको अप्लाई करेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने दोस्त अपने एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली सनजानी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।